नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूँ गरिमा भारती। आज लालू प्रसाद यादव से उनके बेटे तेज प्रताप यादव ने मुलाकात की और आज ही के दिन उनके डॉक्टर डीके झा ने भी उनका हेल्थ रिपोर्ट जो है वो मीडिया के सामने जारी किया है। डीके झा क्या कुछ कह रहे हैं आप सुनिए। माइक नीचे करिए भाई। बाबा थोड़ा नीचे कीजिए। नीचे होते रहता है अभी घड़ी देख रहे जैसा समय थोड़ी है। कुछ नहीं रहेगा। सेल लेबोरेटरी इसके बारे में सब आपको इंचार्ज बता ही रहे थे। आप कल उनसे बात कर रही है, आप हमसे क्या पूछ रहे हैं? ठीक है सर, क्या चीज का अंतर आ रहा है? क्या रिपोर्टिंग में अंतर आ रहा है? उन्होंने चिंताजनक तो नहीं कहा होगा, क्या कहा तो आप ही बताइए। अच्छा आप बता, आप बता दीजिए सर, क्या कहा था सर? लालू प्रसाद यादव आपके मरीज हैं, कैसी तबीयत है? स्टेबल है। बीपी शुगर थोड़ा लंबा करते हैं। बीपी शुगर तो है ही है, उनको दवाई पर है, स्टेबल है, दवाई चल ही रहा है उनको। विशेष एहतियात लंबे समय के बाद कुछ निर्देश या डायरेक्शन आप लोगों की तरफ से? विशेष एहतियात हम लोग जो डाइट पर उनको दिए हैं कि वेजिटेरियन खाना है उनको, सेना पर भी रोक लग गया सर। सेना में बहुत कैलोरी रहता है, रोक दिया सर। कैलोरी शुगर कंट्रोल करने के लिए तो छेना रुकना ही पड़ा। बीपी शुगर तो है ही है, उनको दवाई पर है, स्टेबल, दवाई चल ही रहा है उनको। विशेष एहतियात लंबे समय के बाद कुछ निर्देश या डायरेक्शन आप लोगों की तरफ से? विशेष एहतियात हम लोग जो डाइट पर उनको दिए हैं कि वेजिटेरियन खाना है उनको, सेना पर भी रोक लग गया सर। सेना में बहुत कैलोरी रहता है, रोक दिया सर। कैलोरी शुगर कंट्रोल करने के लिए तो छेना रुकना ही पड़ा। ठीक है। ऐसे तो लालू प्रसाद यादव का मेडिकल रिपोर्ट, यूं कहे तो मेडिकल बुलेटिन जो है वो आमतौर पर शनिवार को जारी किया जाता था, लेकिन आज मंगलवार है। आज के दिन ही डीके झा ने उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया, क्योंकि वो उनका हेल्थ चेकअप करने के लिए गए थे और सारी चीजों के बारे में डीके झा ने बताया कि स्थिति जो है वो स्थिर है, बाकी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ने की वजह से लालू प्रसाद यादव को छेना खाने से मना कर दिया गया है, यानी कि लालू प्रसाद यादव अब पनीर भी नहीं खा सकेंगे। लाइव सिटीज के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।